जेनी, ये हीर आज इतनी देर तक क्यों सो रही है? खरबूजे को देख के ना, खरबूजे ने रंग पकड़ना शुरू कर दिया है। क्या तो मुझे खरबूजा बोल रही हो? तो और क्या बोलूं? भाई इतने प्यारे प्यारे फल होते हैं, कोई दुबला पतला स्मार्ट सा खूबसूरत सा फल नहीं मिला था मिसाल देने के लिए तुम्हें? वैसे ना ये मिसाल हम तीनों के लिए थी। अच्छा फिर ठीक है। वैसे जेनी मुझे लगता है कि हीर ना उस दिन के वाकये से डर गई है। उसकी ना हवाइयाँ उड़ी हुई थी रात से। तो हरकत भी तो ऐसी की है मैडम ने, जाके एक अनजान आदमी को घर का नाम पता एड्रेस सारी चीजें हत्ता के फोन नंबर्स भी लेकर आ गई। और उस डीड को देखा था, वो साहब जी घर तक चले आए। हाँ यार जेनी, ये हमारी हीर ना बड़ी सीधी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। यार आमना वक्त के साथ ना सीख जाएगी। हाँ और वो वक्त आने से पहले ना हमारे घर में सारे चोर उचक्के पुलिस डकैत सब घुस जाएंगे। हाँ कह तो सही रही हो, इस बात पे तो हमें हीर को फौरन अकल फरहाम करनी पड़ेगी। और वो हमारे बस की बात नहीं है भाई। हाँ तो क्या करें फिर? तुम बताओ क्या करें। मेरा ख्याल है कि के जल्दी बताओ। मेरा ख्याल है कि ये आइडिया भी तुम ही दो। हद हो गई, मदद तुमसे मांगी और अपनी मदद आप करो। मुझे लगता है कि हीर के अब्बू से बात करनी चाहिए। वो क्या करेंगे? यार उसको समझाएंगे और क्या करेंगे। इतने साल हीर उनके साथ रही, ये काम वो तब नहीं कर सके, अब कैसे करेंगे? कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो जैनी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। हाँ तो क्या गांव जाओगी उनको फोन करने के लिए? नहीं, मेरे पास उनका फोन नंबर है। हाँ तो फौरन फोन करो। असलम भाई ने ये अच्छा काम किया था कि फोन नंबर दे दिया, तो उन्हें कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? उसी की होगी, मुझसे मिलने के लिए आया था। आप मुझे फोन कर रहे हैं? अब भी बताती हूँ मैं तुझे, रुक जा। हेलो, तू बाज नहीं आएगा ना? हेलो जी अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं अब्बा जी, आपको नहीं बोल रही थी। हैं? आपको किसने बता दिया? नहीं अब्बा जी, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा, ख्याल रखूंगी। क्या, किसे भेज रहे? अब्बा जी ना करें, उन्हें क्यों भेज रहे, वो क्या करेंगे आके? अच्छा अब्बा जी, अगर आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो मैं फिर चुप हो जाती हूँ। अच्छा अब्बा जी ठीक है, अब्बा जी खुदा हाफिज़। आमने जी क्या कर दिया आपने, ये अपने पैरों पे ना खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। मुझसे पूछ तो लेती कॉल करने से पहले। अल्लाह ये क्या हो रहा है आजकल? हाँ भाई देखो जरा, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना घर वालों की। मगर ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे भाई पैसों के लिए करते हैं, और किस लिए करते हैं? मगर आमना इंसान का कोई दीन ईमान भी होता है, सब कुछ पैसा तो नहीं होता है ना। अरे भाई आजकल लोगों का दीन ईमान ना पैसा ही है, बड़ों बड़ों को ना मजबूर कर देता है सड़क पे नाचने पर। इससे तो बेहतर होगा ये लोग सड़कों पे ही नाच लें, किसी का नुकसान तो नहीं होगा उससे। अरे भाई नाच तो रहे, और कैसे नाचे? कौन नाच रहा है? यही मॉर्निंग शो वाली लड़कियाँ, देखो जरा क्या क्या हरकतें कर रही हैं टीवी पर आके। आमना तुम इनकी बात कर रही हो? तुम किन की बात कर रही हो? मैं इस अखबार में अगवा हुए बच्चों की खबर पढ़ रही थी। ओ आई सी, असल में दो खबरें मिक्स हो गई। आमना जी उठ गई आप? हीर जी जी उठा दिया गया है मुझे। वैसे ना एक ही बात है, आज लग रहा है कि तुम पे शहर का रंग चढ़ गया है। ऐसी बात नहीं है जानी जी, रात को देर से सोई तो सुबह आंख ही नहीं खुली। और आमना जी आपने ये क्या किया है? क्या कर दिया भाई मैंने?
मेरे अब्बा जी को कॉल करके उस दिन वाली बात क्यों बता दी? भाई हीर, हमने सोचा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें समझाएंगे। एक मिनट आमना, हमारा नहीं तुम्हारा। क्या समझाना था उन्होंने? यही कि जाके किसी भी अनजान शख्स से ना ऐसे बात नहीं करना शुरू कर देते और जाके नंबर भी नहीं पकड़ा देते। यार आमना जी, वो बात तो मैं ना उसी दिन समझ गई थी, आपने अब्बा जी को क्यों कॉल कर दी। क्या अब्बा जी ने तुम्हें डांट पिला दी? डांट भी पिलाई और साथ में ऐसी खबर सुनाई है कि मेरी नींदें उड़ गई। कैसी खबर सुना दी? उन्होंने ना मेरे मामा जी को भेज दिया है यहाँ पे। कौन मामा जी? मेरे रिश्ते के मामा है, अब आप लोगों को पता चलेगा। अरे क्या पता चलेगा हमें, और वो किस खुशी में आ रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं और वो मेरे सारे काम करेंगे। अच्छी बात है, थोड़े काम हम भी करा लेंगे उनसे। बड़े घाटे का सौदा है जी, आप लोगों को पता नहीं है अभी। अच्छा एक बात बताओ कि वो यहाँ पे किस खाते पे आ रहे हैं? तुम्हारे अब्बा ना सिर्फ तुम्हारा किराया देते हैं रहने का यहाँ पे। आमना जी, मामा अपना किराया खुद ही देंगे और उन पैसों के लिए वो क्या क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह ही खैर करे। वैसे तुम्हारे मामा आ कब रहे हैं? आज। आज? हाँ चले, मैं नाश्ता करके आती हूँ। एक नमूना कम था कि दूसरा भी आ रहा है। नाम हमारा क्या होगा यार, ये दो दो अगर हमारे सर पे आ जाएंगे तो। अल्लाह मालिक है। और इतने बड़े बड़े कार हैं शहर में, लेकिन एक बात है, ये खुश बहुत होगी, लेकिन कार है कौन सा उसका? ना तो कुत्ता बना हुआ। ओ भाई, हेलो भाईजान। जी भाई। ओ भाई, ये मकान नंबर 208 किधर है? तुम अभी आए हो कराची? हाँ बस जी, ट्रेन से उतरा और सीधा इधर आया हूँ। लाओ 200 रुपए निकालो। 200 रुपए किस चीज के? ओ भाई ये शहर है, इधर पता बताने के पैसे लगते हैं। अच्छा, और लेकिन हमारे गांव में अगर कोई पता पूछता है ना, हम तो फ्री में बताते हैं, बल्कि उसको कार छोड़ के आते हैं, बल्कि रास्ते में चाय पानी भी पिलाते हैं। ये शहर है, यहाँ का यही रिवाज है। अच्छा तो फिर पता तो पता करना है ना, पैसे तो देने पड़ेंगे। ये 100 और ये 200, आप बता। तुम्हें मकान नंबर 208 में जाना है ना? हाँ भाई, उस तक से कह रहा हूँ, यही है मकान नंबर 208, ये वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि घर के करीब था, 200 में पता चल गया। अगर गली में आगे पीछे होता इसको तो 5,000 ले लेने थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, बचा लिया तूने मुझे। आ रही हूँ, सफर नहीं है क्या? अब बिस्मिल्लाह। मामा तुम? और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और शहर आके तू बड़ों को सलाम करना भी भूल गई। नहीं नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जींदी रह जींदी रह। अब बोल क्या कह रही थी? हैं, वो कह रही थी मामा आ गए। हाँ आ गया, और तेरे पियो ने तो आधा घंटा दिया सामान बांधने के लिए, आधी शलवारें रह गई, आधी कमीजें, पता नहीं मैच कैसे होंगे, लेकिन पागा पागा में आया। गाँव से पैर पे भागे भागे क्यों? नहीं नहीं, भागा भागा ट्रेन पकड़ी में है। और तू एक बात बता, और तू शहर में क्या करते फिर रही है? अंदर चल के बात करें मामा। हाँ अंदर चल के बात करते हैं, लेकिन फिक्र ना कर, अब तेरा मामा आ गया, अब सही हो जाएगा। और ये कार गंदी रहती है तू? नहीं मामा। हाँ। मेरे साथ दो और लोग रहते हैं। अच्छा जैनी, ये हीर गेट पे गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं है यार? मैं क्या हो गया, क्यों टेंशन मचा रही हो फजूल में? अरे यार जैनी, टेंशन तो जरा सी भी लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ ये भी है। आमना जी, जैनी। हीर कहाँ थी तुम, कौन आया था? मेरे मामा जी। हैं, कहाँ है मामा तुम्हारे, कहीं नजर नहीं आ रहे? मामा जी। ओ, आ गया बेटा मामा जी। ओए जबरदस्त, ओए हो, ये भी जबरदस्त। ओए हीर, जरा अपने मामा को जगाना प्लीज। अब मामा जी। हाँ पुत्र, ये घर पे मेहमान आए हैं? अरे नहीं मामा जी, मेहमान नहीं है, ये आमना जी और ये जैनी, ये दोनों यही रहती हैं। ओ बहुत अच्छा करती हैं जो यही रहती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, ये मेरा घर है, मैं ना इन दोनों की मालिक मकान। हाँ लेकिन मुझे दूर से आप मकान मालकन लग रही हैं। हाँ वही वही। और ये होगी चैनी, है ना? एक्सक्यूज मी, मेरा नाम ना जैनी है, चैनी नहीं। ओ सॉरी सॉरी, मैं ना अपने दो नुक्ते वापस लेता हूँ, तो चे से हो गया जीम और जीम से हो गई जैनी, है? जी मामा जी। नहीं मामा ना, मैं सिर्फ इसका हूँ, आप ना मुझे मेरे नाम से बुला सकते, इजाजत है आपको। जी आपका नाम क्या है? ओ वैसे तो गांव में सारे ना मुझे प्यार से जो है ना वो जानी कहते हैं। और अगर प्यार ना हो तो वो सीधा मेरा नाम ले, आशिक। वाह जी वाह, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। हाँ,
बस आपको ना जल्दी से फैसला करना है कि छलांग कहाँ लगानी है, कैच मैं करूंगा। कहीं नहीं, आप ना मामा ही सही है। हाँ ठीक है, लेकिन मामा को जानी होने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखना। हीर बेहतर ही होगा, तुम अपने मामा को उनका कमरा दिखा दो। हाँ मुझे मेरा कमरा दिखा दो, वैसे ही बहुत थक गया हूँ मैं। क्यों आप गांव से पैदल आ रहे हैं? नहीं, आया तो ट्रेन पे हूँ, लेकिन खड़े खड़े आया ना, थक गया हूँ। मामा जी आपको बाबा ने सीट करा के तो दी थी। और पुत्र सीट तो करा के दी थी, लेकिन जल्दी में ना मैं अपने डब्बे के पिछले डब्बे में चढ़ गया तो खड़ा रहा। तो क्या हुआ, अगले स्टेशन में अपने डब्बे पे वापस चढ़ जाते? ना 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 ना, ना। भाई साहब ने कहा था कि देख जानी पहली दफा ट्रेन में चढ़ रहा है, जब तक कराची ना आए ना तूने उतरना नहीं है। मैं नहीं उतरा, खड़ा रहा हूँ फिर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक काम करें, अब आप जाए और आराम करें। ठीक है फिर, ऐसा करते हैं दोपहर के खाने पे मिलते हैं सारे, हैं? चलो भैया। मामा जी अपने आपको अपने फांसी क्यों लगाई, वे दे मुझे। नहीं 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 पुत्र मैं ठीक हूँ, देख इजी बिल्कुल। इसमें क्या है मामा जी? कुछ है ही नहीं, तू ऐसे फील कर जैसे कुछ है नहीं, जैसे तेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरे पीछे भी कुछ है, देखा है कुछ है नहीं, है नहीं, है नहीं, आ जा फिर। ये क्या चीज है? ये तो अब पता चलेगा जैनी, बिल्कुल ठीक कह रही थी हीर। हीर किधर रह गई? ओ जैनी, लगता है शहर ने ना इसी मौके के लिए लिखा था, किसी तौर भी पीछा नहीं छोड़ता, ये यारे ख्याल भी ना किसी बिगड़े हुए बुखार की तरह है। ये क्या था? ये शॉर्टकट था। वैसे आपका शेर भी बड़ा घटिया ही था। और मुझे तो बस ऐसे ही शेर आते हैं। वैसे मैंने आपको नहीं कहा था सुनाने को। नहीं, मुझे फील हुआ जैसे आपको शेर की जरूरत है तो इसलिए। आप यहाँ? असल में वो मैंने आपको देखा ना तो दूरी बर्दाश्त नहीं आ गया। क्या? मेरा मतलब कि आपको अकेले बैठे हुए देखा तो मैं आ गया। मुझे अकेले बैठना ना अच्छा लगता है। वैसे आप तो बहुत थके हुए थे ना? हाँ थका हुआ था, लेकिन यकीन जाने मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ। हैं तो आप वैसे बड़े थके हुए क्यों आए? वो असल में मसला ये है कि जानी जी वो ना मेरा रूम है ना कमरा जो है उसके ना लैट्रिन में ना वो है, वो जो नहीं होती देग होती है ढक्कन वाली, तो उसकी आदत नहीं है मुझे। हैं वो क्या? वो जो ऐसे सीट होती है बगैर हत्थी के और नीचे कुछ नहीं होता आमद रफ्त के लिए। बाबा जाए ऐसे। वो तो मैं जाता हूँ, लेकिन अरे जानी जी आप ना ऐसे फूल ना सूंघा करें, आपको पता है फरजाना भी ना ऐसे ही मरी थी। अब ये फरजाना कौन है? मेरी साथी मोहब्बत फरजाना। वाह भाई वाह, मोहब्बत वो भी साथी। अच्छा फरजाना मरी कैसे? बाजी वो ऐसे फूल सूंघ रही थी, इसमें से ना जहरीला कीड़ा निकला, वो नाक में चला गया। जानी जी कीड़ा कहीं और हो ना सारी जिंदगी जिंदा रह सकता, लेकिन नाक में उसने काट लिया और फरजाना मर गए। अच्छा मामा जी। मामा नहीं आशिक। आशिक जी अब आप ऐसा करें, अब आप यहाँ से निकल जाएं। क्यों निकल जाऊं? वो ना आपको आमना बुला रही है। आमना? लेकिन वो क्यों बुला रही है? उसको ना आपसे कोई जरूरी काम है। अच्छा तो वैसे तो आमना भी सही है। ठीक है मैं फिर जाता हूँ, वो होगी कहाँ? घर में ही होगी, ढूंढ लो। हाँ घर में आया तो ढूंढ लूंगा। आमना जी, आमना जी। हीर की बच्ची, कहाँ फंसा दिया हमें? ओए आमना जी, अल्लाह, और फिर ये तो वही कमरा है, और ये कार भी पुल पुलाई है, कमरे के अंदर पता नहीं आमना जी किधर है। मामा? और जी मामा की जान खाना बढ़ गया। आमना जी आप आ गई, आप किधर थी? आपको हर बात बताना जरूरी है क्या? नहीं बताना जरूरी नहीं है, वो जैनी कह रही थी कि आप मुझे याद कर रही थी। खैरियत? क्या याद कर रही हूँ? अरे नहीं मामा, जैनी ने कहा था कि आमना जी ने आपसे बात करनी है, याद नहीं कर रही। हाँ वही मतलब था बात करनी है। अच्छा भाई मेरी बात सुने मामा जी। जी मामा जी नहीं आशिक। नहीं। अच्छा फिर जानी? नहीं। फिर मैं जान। अच्छा मेरी बात तो सुने ना यार मामा जानी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपने यहाँ पे रहना है ना तो इस कमरे का किराया देना होगा। हाँ वो तो हीर का प्यो देगा ना, उसने भेजा मुझे। हीर ये क्या कह रहे हैं? मैं अब्बा जी से बात करूंगी। हाँ वैसे मुझे एक बात तो बताए, क्या आप हीर की अम्मा के सगे भाई हैं? मैं हीर की अम्मा का कोई वाला पाई भी नहीं हूँ। तो फिर हीर आपको मामा क्यों बुलाती है?
और कहानी यह है कि इसका अब्बा जो है ना वो मुझे बहुत शक करता है, शकी है, इसलिए उसने जबरदस्ती मामा बना रखा है। तो सही तो शक करते हैं, आपकी हरकतें जो ठीक नहीं है। अच्छा मामा मैं आपके लिए खाना लगा दूं। और वही तो मैंने पहले कहा था कि खाना तैयार है कि नहीं है। देखो ही मेरी बात सुनो, खाना जो है ना इनको यहीं पे ला के देना और ये हमारे साथ हरगिज खाना नहीं खाएंगे। नहीं जी, और मैं खा लूंगा आपके साथ, मुझे कोई मसला नहीं है। पर हमें मसला है, आप मेरी बात कान खोल के सुन लें। आप खाना भी इस कमरे में खाएंगे और रहेंगे भी इस कमरे में, और ज्यादा ना इस घर में घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। आहिर ये बड़ी तीखी मिर्च है वैसे। अरे नहीं नहीं मामा जी ऐसी बात नहीं, आमना जी ना दिल की बहुत ही बड़ी है जी, बस गुस्से की जरा तेज है, मैं आपको खाना ला देती हूँ। ठीक है चल फिर। और ये दिल की अच्छी है, वो शक्ल की अच्छी है, और किसी एक ना एक के साथ सुसेरा बनता है। ओ कार तो बड़े हैं, दरवाजे भी बड़े कराने पड़ेंगे। खाना तो बड़ा अच्छा बढ़ाया हीर ने, अब चहल कदमी कर लेनी चाहिए थोड़ी। भाई साहब। जी भाई साहब। ये बंगला नंबर 610 कहाँ होगा? वो बाद में, पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब बता क्या पूछा था है? ये बंगला नंबर 610 होगा कहाँ? अच्छा फ्री में पूछ रहे है। भाई पहले 200 रुपए काट। 200 रुपए किस लिए? और भाई यहाँ पता बताने के ना पैसे होते हैं। पागल है क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है, और भाई ये शहर का रिवाज है। हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमें मत पागल बना। हेलो, अब मेरे से तो पता बताने के 200 रुपए लिए थे, चलो अच्छा है नहीं दिए, वरना मैं भी उसके साथ मकान नंबर 610 ही ढूंढता रहता। चल कर दी। मेरे क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन जिसका भी कसूर है ना अल्लाह उसे कभी नहीं माफ करेगा। भाई मैंने तो आप लोगों को बताया था। हाँ तब बताया था जब वो पागल गांव से निकल के चला गया था। हाँ और तुम्हारे अब्बा जी को भी देखो, भेजने के बाद बताया हमें। अब मैं क्या करूँ? अमना तुम एक काम करो, इसके अब्बा को कॉल करो। माफ कर दो मुझे, इसके अब्बा को कॉल की ना तो अभी एक आशिक भेजे और अब ना कोई माशूक आ जाएगा। अरे हाँ मेरा ना एक चाचा माशूक भी है। लो जी हो गई छुट्टी, तुम्हारे घर वालों को इश्क करने के लिए और कोई काम नहीं है क्या? सही बात है, पता नहीं किस किस्म का खानदान है इसका, देखो जरा हीर रांझा आशिक माशूक। अच्छा आमना जी मेरी ना अब्बा जी से बात हो गई, उन्होंने मुझे कहा है कि वो ना मामा जी के कमरे के 3000 रुपए भेज देंगे। एक्सक्यूज मी, 3000 नहीं भेज देंगे, हर महीने 3000 भिजवाएंगे किराया। जी जी वही है, अब 3000 में उस पागल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहन मैं कर लूंगी, एटलीस्ट दोनों तरफ से किराया तो आएगा ना। मैं बिल्कुल करने वाली नहीं हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं बाहर निकाल के रहूंगी। पुत्र हीरा। जी मामा। आइए जानी तेरे पास है तो इसको मेरे पास भेज।